सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? सब हो सब ठीक हो गए? तो सबसे पहले आप लोग को मेरी तरफ से और सकीना की तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, रमज़ान तो है ही है, और आज मेरे मम्मी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। इसके लिए हम लोग बहुत थोड़े दिन से अपडेट नहीं थे यूट्यूब पे और भी जगह पे, तो आज इंशाल्लाह मेरे मम्मी का डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं सोचा था कि सहरी करके नमाज़ पढ़ के थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ के सो जाऊँगा, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही है गाइस, क्योंकि आज मेरे मम्मी का डिस्चार्ज है और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। दुआ करो मेरे मम्मी के लिए। मम्मी एडमिट थे थोड़े दिन से, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छे है, और आज शायद इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो पहले रोज़े की बरकत से मेरे मम्मी का डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं अभी रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मैं अभी जा रहा हूँ मम्मी के पास। मैं सोचा था थोड़ा सो जाऊँगा फिर जाऊँगा, लेकिन नहीं, मैं अभी जाऊँगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द डिस्चार्ज करते हैं, इंशाल्लाह घर पे इफ्तार करेंगे सबके साथ में। तो मम्मी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दुआ करना प्लीज़ गाइस। तो गाइस, जितना अच्छा मूड था, इतना मैं एनर्जी में आया था, इतना सब अच्छे से था, लेकिन पूरा मूड खराब हो गया, क्योंकि डिस्चार्ज देंगे देंगे बोल के, ये नहीं डिस्चार्ज, क्योंकि थोड़ा सोडियम प्लैटिनियम जो है वो थोड़ा लो है मम्मी का, उन लोग बोले सब अच्छा हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, उसके बाद डिस्चार्ज देंगे। उन लोग क्या अभी बोलने की बात सही है, कल तक इंशाल्लाह दे देंगे। और एक और बैड न्यूज़ है कि मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो हैक हो गया है, किसी ने हैक कर दिया है, क्या मालूम क्या मिलता है ये सब करके। लेकिन ना मेरा नहीं होएगा तो उसका भी नहीं होएगा। मैंने भी बैंडिंग बंद करा दिया मैंने इंस्टाग्राम, तो देखो मिलता है या नहीं मिलता है या क्या होता है। बस वो सब छोड़ दो, इंस्टाग्राम मम्मी के लिए दुआ करो, ख़ास तौर पे मम्मी जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए और हम लोग मम्मी को घर पे लेके चले जाए। बस हो गया, थक गए हम लोग भी, मम्मी भी थक गए। मम्मी को ऐसा लग रहा है कब मैं घर जाऊँ कब मैं घर जाऊँ, और अभी हम लोग को मम्मी को घर पे लेके जाना है कैसा भी कुछ भी करके। इतना दिन, चार पाँच दिन ये हॉस्पिटल में हम लोग, फिर उधर दूसरी तरफ सिटी स्कैन ये वो सब कर रहे थे। मम्मी को अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी को एक तरफ बैठना ज़रा भी पसंद नहीं है, आप लोग ने देखे रहेंगे ब्लॉग में। तो वो अच्छे हो गए, सब कुछ हो गए क्लियर, बस है ना नमक की कमी आ रही है उनके अंदर, सोडियम की कमी आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग जितना नॉर्मल हो सके, जाएगा तो डिस्चार्ज दे देंगे। हाँ, अगर सोडियम नॉर्मल हो गया, प्लेटिनियम नॉर्मल हो गया तो डिस्चार्ज दे देंगे। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है मम्मी के लिए, जितना हो सके दिल से ज़्यादा दुआ करना प्लीज़। तो और मैंने आप लोग को बोला था आज पहला रोज़ा है, सब साथ में करेंगे, तो रोज़ा तो साथ में ही करेंगे लेकिन हॉस्पिटल में ही करेंगे। तो अभी हम लोग यही रोज़ा खोल रहे हैं क्योंकि घर पे गए नहीं, डिस्चार्ज दिए नहीं, पहला रोज़ा हॉस्पिटल में। और तारी अजान हुई क्या? हो रही है कभी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। रोज़ा लग गया फरदीन, बेचारा फरदीन। मेरे को कुछ बोलने का है क्या? ये मेरा पहला रोज़ा मम्मी के साथ शादी के बाद। सकीना का पहला रोज़ा मम्मी के साथ, वो भी हॉस्पिटल में, कितनी बेकार है ये बताओ। हुई अजान? चलो चलो जब तक दुआ पढ़ लेते। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? सब होप सब ठीक हो गए। तो कल मैंने इसके लिए एंड नहीं किया था क्योंकि कुछ था नहीं एंड करने जैसा, और आज भी डिस्चार्ज हुआ नहीं। मैं सोचा था कल ही हो जाएगा, लेकिन आज भी डिस्चार्ज हुआ नहीं क्योंकि मम्मी का जो नमक लेवल है वो थोड़ा कम है। इंशाल्लाह वो कल तक अच्छा हो जाएगा। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो मम्मी के लिए कि जल्दी अच्छे हो जाए और जल्दी हम लोग घर पर चले जाए। और बहुत हम लोग भी दुआ कर रहे हैं कि मम्मी अच्छे हो जाए, बस यही है कि जल्दी से जल्दी घर जाए, सब जैसा पहले था सब अच्छा हो जाए पहला वैसे ही। और मैं इसके लिए अपडेट नहीं हूँ, इंस्टाग्राम तो मेरा इंस्टाग्राम सबसे पहली बात चला गया, किसी ने हैक कर लिया, उसका मेरे को कोई कम नहीं। बस मम्मी के लिए दुआ करो। और यूट्यूब का जो है,
तो मैं इसके लिए अपडेट नहीं था क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में, पूरा हम लोग यहीं थे। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना दुआ करो मेरे मम्मी के लिए और सबके मम्मी के लिए दुआ करो कि किसी को हॉस्पिटल जाने की नौबत भी नहीं आए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे मम्मी अच्छे हैं। तो मम्मी अभी तुमको कैसा लग रहा है? पक्का तुम लोग है ना टेंशन नहीं लेते? हाँ, और जो मेरे को देखते और लोग सब तुमको याद भी कर देते। हाँ। मम्मी का है ब्लॉग में नहीं आ रहे, मम्मी ब्लॉग में नहीं आ रहे, सबको बोल रहा मेरे लिए दुआ करो, सबको मैं दुआ दूंगी। हाँ, तो मम्मी के लिए आप लोग सब दुआ करो, मम्मी भी आप लोग सबके लिए दुआ करेंगे, है ना। अभी मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है, अभी वॉक भी करके आए अच्छा खासा ना, अभी वॉक भी करके आए और अभी उनको अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना हो सके मम्मी के लिए दुआ करो। मुस्कान शैडी दोनों यहाँ से जा रहे थे, फिर मुझ गरीब को देखा तो उन्होंने मेरे लिए इफ्तारी लिखी। थैंक यू, थैंक यू मुझ गरीब के लिए इफ्तारी लेके आने के लिए। आयु डर गए, उसका स्कूल का रास्ता ये है, बोले स्कूल लेके जा रहे हैं क्या? इनको लगा तुम लोग नहीं आ रहे। हम लोग नियाज की बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत गलत। थैंक यू, थैंक यू ये इफ्तारी लेके आने के लिए मेरे लिए। मैं यहाँ बैठा था, इन लोग को लगा बेचारा गरीब रोजा खोलेगा नहीं खोलेगा, तो इफ्तारी लेके आ गए। तो ये आज हम लोग की दूसरे रोजे की इफ्तारी। प्रवीण भाई दुआ मांग रहे हैं, मैं भी दुआ मांगता हूँ। तू क्या मांग रही है? ये देखो इसको फोटो ही ले रही है। दुआ मांगना चाहिए था। चलो जल्दी दुआ मांग के इफ्तारी स्टार्ट करते हैं। मम्मी चलो जल्दी जल्दी दुआ मांगो, फिर जल्दी अच्छे हो जाएगी। तो अभी हम लोग ने इफ्तार कर लिए और मम्मी ने और बोले पूरा हॉस्पिटल का जांच पड़ताल करके आओ। तो हम लोग राउंड पे गए थे, हम लोग रोजा खुलने के बाद राउंड पे जाते हैं नमाज वो पढ़ने के बाद, और एक राउंड मार लेंगे फिर सही हो जाता है सब, है ना। लेकिन मेरा फ्री नहीं होता। ठीक है, तो तुम जाओ एक काम करो, टेंशन छू के आओ यहाँ से जाके। चलो, ये इनकी कमी थी, आ गए ये भी। मेरे को दे रहा था ना? नहीं नहीं खा, इसको इसके नानी के बगैर रहने नहीं होता है। ऐसा है? हाँ, इसके लिए आ गया। रोजा थे तुम लोग? कौन कौन था? हाँ, जल्दी बोल, सुबह पनवेल के लिए निकलना है। तो कितने रोजे रखा? मैंने आज का पहला। कल क्यों नहीं रखा था? नहीं, तुम लोग तीनों के तीनों रेड रेड क्यों पहने आज? दुबले हो गए रे, दुबले हो गए तुम लोग रोजा रख के। नहीं। फिर मोबाइल ले रहे? अरे चार्ज पे लगा ले। क्या किया? पेन चल रहा नहीं था। क्या हुआ? अच्छा तू भी है क्या? उसको नहीं दिखाया तो पीछे से ठोक रहा है। वो मामा है और ये कौन है? मामी। वो चॉकलेट दो, वो बोल रहा है। और चॉकलेट चाहिए? मामा से चॉकलेट मांग लो। ले, क्या करा मालूम? इसकी फेवरेट चॉकलेट है। पेन से लिख रहा था, पेन से लिखे नहीं गया ना, तो क्या करा? वो नहीं बात ही ना, ऐसे और कुछ खाने का में। अभी हम लोग की इफ्तार हो गई है, अभी आफ्टर इफ्तार भी चालू है हम लोग का। क्या बोल रहा है? कौन तू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, पानी तक पीने की देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं व्लॉग में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद व्लॉग में दिखाऊंगा, फिर देखना किधर कहाँ तक खाई इसने। देख, अरे वाह वाह वाह, देख क्या बोल रही है सकीना, ये कहाँ तक खाई इसने? तू कहाँ तक खाती है? देखो फेल कर दी इसने आज, है ना। मामी हार गए। हाँ, तेरे दांत इतने बड़े बड़े क्यों हो गए? पूरी इफ्तारी तेरे दांत में लग रही है क्या? क्या क्या खाया? आइसक्रीम। अभी उसने बोला ना जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल जाने गए। चलो चलो बस करो, हॉस्पिटल में है तुम लोग। अभी कोई कुछ बोल रहा था एक मिनट पहले, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ फरदीन? नहीं टेस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने बनाया। तू तो बोला पेट भर गया एकदम।
नहीं वो बना के लेके आए ना, टेस्ट कर रहा था तो। कैसा है? अच्छा है। सकीना तू खा? नहीं बस हो गया, देखते दो मिनट बाद। क्या हुआ सकीना? तेरा तो पेट भर गया था, फिर अभी टेस्ट कर। अच्छा ठीक है, करो करो। मामा देखो ये मार रहा। क्या हुआ क्या हुआ, क्यों मार रहा है? ए, मत मार। अच्छा है फरदीन, टेस्ट कर रहा है। बहुत कुछ करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हॉस्पिटल में है क्या, बेडरूम में है ये सब? मरीज इधर है और ये सब देखो। आया हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मम्मी। बाप रे बाप। मावशी क्या बोल रहे? कुछ नहीं। कैसा लगा आपको हमसे मिलके? हम से बेजार हुए क्या, खुश हुए तुम? हमसे बेजार हुए क्या, खुश हुए? भाई जैसे है वैसे ही हंसी है, हंसी है, हंसे मौसी हंसे, हंसी है हंसी। सो गाइस, मम्मी अभी सो रही नहीं है क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया है घर पे जाने का और आराम नहीं मिल पा रहा है उनको। बस वो सोच रहे कब घर पे जाऊँगी, कब घर पे जाऊँगी। बस आप लोग उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो कि हम लोग जल्दी से उनको घर पे लेके जा सके। अभी कल का बोल रहे हैं, इंशाल्लाह कल लेके जाने के बस हमको तो सुकून मिल जाएगा बहुत सारा, है ना? अभी अलहमदिल्ला एकदम अच्छे हो गए, बस थोड़ा सा है जिसकी वजह से डॉक्टर ने रुकने बोला है, सोडियम वगैरह थोड़ा कम है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा। बस आप लोग दुआ करो उसको, मिलकर लाइक मत करो, शेयर मत करो, कुछ मत करो, बस दुआ करो, ठीक है।